हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि भगवान भोलेनाथ कैसे आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। भगवान शिव शंकर बहुत भोले हैं, इसलिए हम उन्हें भोले भंडारी कहते हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा पानी भी अर्पित करे तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे और अचूक उपायों के बारे में फ्रेंड्स हम बात करेंगे आज। ये उपाय इतने सरल हैं कि इन्हें आप बड़ी ही आसानी से कर सकती हैं। हर समस्या के समाधान के लिए फ्रेंड्स कुछ उपाय मैं आपको आज बताने वाली हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स हम भगवान शिव को आसानी से कैसे प्रसन्न करें। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है, जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है, गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। फ्रेंड ये सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। फ्रेंड शिव को कौन सा रस या द्रव्य चढ़ाने से क्या फल मिलता है। बुखार होने पर भगवान शिव को जल चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। सुख व संतान की वृद्धि के लिए भी जल द्वारा भगवान को शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। तीक्ष्ण बुद्धि के लिए शक्कर मिला दूध भगवान शिव को चढ़ाएं। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाए जाए तो आप सभी आनंद आपको प्राप्त हो सकते हैं। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से टीबी रोग में आराम मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का गौ माता के शुद्ध घी से अभिषेक करना चाहिए। फ्रेंड शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख समृद्धि प्राप्त होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम रोशन करता है। फ्रेंड्स लाल इंट लावा धतूरा शिव पूजन में शुभ माना गया है। दुर्वा से भगवान शिव का पूजन करने पर आयु बढ़ती है। फ्रेंड्स इन उपायों से प्रसन्न होते हैं भगवान शिव। मैं आपको कुछ और उपाय बता देती हूँ। जैसे कि सावन के माह में रोज 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो सावन में रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करें तथा गूगल का धूप दें। फ्रेंड्स सावन के माह में शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाने से विवाह कार्य में आ रही बाधा दूर होती है। सावन में रोज नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं, इससे जीवन में राजा महाराजा जैसी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। फ्रेंड्स फ्रेंड्स सावन में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद शिव मंदिर में भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, उन्हें काले तिल अर्पण करें, तत्पश्चात मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। सावन में किसी भी नदी या तालाब जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। ये धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। फ्रेंड्स थैंक यू। फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और जो उपाय मैंने आपको बताएं आप इनको ज़रूर करें, आपको ज़रूर ज़रूर लाभ होगा। फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।